आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री किशोर ने निर्माण और रियल इस्टेट क्षेत्र से आवास और किफायती आवास परियोजनाओं के लिए निविदाओं के विभिन्न कीमतें कम करने का आग्रह किया। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग के कुछ लोग अक्सर मेगा हाउसिंग और किफायती हाउसिंग परियोजनाओं दोनों के लिए सरकार अनुबंध हासिल करने के लिए इस कदाचार में शामिल होते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया आदि अधूरी परियोजनाओं और अंत तक बढ़ती लागत जैसी समस्याओं को जन्म देती है। दरअसल पारदर्शिता के साथ विश्वास को बढ़ावा मार्ग 2047 विषय पर आयोजित 16वें नारायणको नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए किशोर ने बताया कि बिल्डर टेंडर प्रेशर के दौरान वास्तविक राशि से लगभग 15% कम बोली लगाते हैं। जैसे जैसे पूरा होने वाला है कीमतें बढ़ती हैं, जिसे ऊपर ठेकेदारी संबंध समस्याएं पैदा होती हैं, जो बिल्डरों और लाभार्थियों दोनों को प्रभावित करती हैं। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने क्या कुछ कहा, सुने। अफोर्डेबल हाउसिंग भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रायोरिटी आइटम है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जैसा प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, मिडिल क्लास और अफोर्डेबल सेगमेंट में इंटरेस्ट का सपोर्ट देने की स्कीम हम लोग तैयार कर रहे हैं और वो स्कीम जल्दी ही भारत सरकार अप्रूव कर देगी। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग की कॉस्ट एक इशू होती है बड़े शहरों में, क्योंकि लैंड महंगी है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। उसकी कॉस्ट कम करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स पे भी काम कर रहे हैं, ताकि जैसे कोई डेवलपर अगर 100 एकड़ डेवलप कर रहा है तो उसमें से करीब 15 एकड़ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रिजर्व करें और वही कंस्ट्रक्शन करें। सिमिलरली हायर FAR या FSI प्रोवाइड किया जाए, कम चार्जेस पे, जोनिंग रेगुलेशंस थोड़े रिलैक्स हो, जो बिल्डिंग डेंसिटी नॉर्म्स हैं थोड़े रिलैक्स हो, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग की कॉस्ट कम हो। इसके साथ ही हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे भी, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस सिटीज़ में प्रोवाइड करने का, हम लोग 10,000 बसेस सिटीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टेंडर चल रहा है। इसके साथ ही मेट्रो से कर रहे हैं, ताकि लोग थोड़ा दूर से भी ट्रैवल करके सिटी सेंटर में जहां उनका काम है जा सकें। तो जितना आप सिटी सेंटर से दूर जाते हैं, क्योंकि लैंड की कॉस्ट कम होती है, तो हाउसिंग की कॉस्ट थोड़ी अफोर्डेबल हो जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद अर्बन प्लानिंग और प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सपोर्ट टू बायर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन, ये सभी स्ट्रैटेजीज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो आधे से ज़्यादा लोग हमारे शहरों में रह रहे हैं, जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग की ज़रूरत है, जिनके लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख के घर कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो एक तो इन घरों की सप्लाई बढ़ाएं हम, ताकि वो डेवलपर सेगमेंट उन घरों को ज़्यादा प्रॉफिटेबल माने और उनके लिए सप्लाई बढ़ाएं, साथ ही बायर्स को सपोर्ट दें ताकि वो घर खरीद सकें। सर, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस की हमारी जो स्कीम है उसमें भारत सरकार 20,000 करोड़ का सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है स्टेट्स और सिटीज़ को 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस सिटीज़ में ऑपरेशंस में रन करने के लिए। अगले 10 साल तक ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उसका टेंडर अभी इन प्रोसेस है। तो ये इलेक्ट्रिक बसेस, AC गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिक बसेस, जैसे हमने मेट्रो में देखा है, हाई क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन लोगों को इनक्रेज करता है गाड़ी छोड़ के मेट्रो में जाने के लिए, ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक बसेस का जो सोल्यूशन है, जिसमें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम होगा, आप अपने कार्ड से ट्रैवल कर सकते हैं और वही कार्ड आप मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं। ये AC बसेस में आप ट्रैवल करेंगे जिसमें शेड्यूल टाइमिंग होगी, तो गुड क्वालिटी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन अयोध्या के लिए भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी सभी शहरों के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी करीब 10,000 बसेज हैं, तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा शहरों में हम ये बसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। छोटे शहरों में 50, थोड़े बड़े शहरों में 100-150 बसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 7 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर बसेस। तो एक बार ये बसेस डिप्लॉय हो जाएगी तो फिर और भी बसेस सोल्यूशन किया जाएगा। अभी कुल अगर आप देखें तो कुल 40,000 बसेस देश में चल रही हैं शेड्यूल्ड सर्विसेज में अर्बन एरियाज़ में, जो शायद डिमांड का 1/4 ही है। तो हमें अपनी अर्बन शेड्यूल्ड सर्विसेज का संख्या कम से कम 4 गुना बढ़ानी है, और इसके लिए सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार तीनों साथ काम कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।